इस वाले वीडियो को क्यों आखिरी तक देखना चाहिए, शुरू में ही वो बता देते हैं। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डर से पप्पू यादव का फेंकना 25, खेसारी लाल यादव का 33 और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गाना चोरी पर नया बवाल। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला वीडियो है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्त, सबसे पहले दिखाते हैं पप्पू यादव का पेचिस फेंक दिया है इनका। नहीं नहीं, यही पप्पू यादव हैं। 24 घंटा में कह रहे थे कि पूरा लॉरेंस के नेटवर्क को खत्म कर देंगे, तबाह तबाह कर देंगे, बस हमको प्रशासन छूट दे दे। पता ना का हुआ, कहां से दिव्य ज्ञान आया पप्पू यादव का, नाम लेने में हालत खराब हो जा रहा है बड़का करेजा वाले पप्पू यादव का। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे, आप ज्यादा तेज मत बनिए। बस हवा निकल गई। गांव में वो खीसा कहल बा, ज्यादा तेजस्वी ना बने के। क्या पता तेजस्वी आपके भटार हो गए क्या? खैर छोड़ो, बड़े नेता है, बोल दिए तो बोल दिया, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, अब दिखाते हैं सिर को सवा सिर मिला। हमेशा आप देखते हैं ना रिलाई मनीष कश्यप का, कभी जाके कॉलेज वाले को रेल दिए, कभी जाके टोल वाले को रेल दिए, कभी नाली वाले को रगड़ दिए। इनको इनसे भी अवगार पत्रकार मिल गया था जब ये गए थे झारखंड में। जाते जाते इनसे सवाल पूछ रहा है कि कैसे भगाइएगा घुसपैठिया को ये झारखंड से। वहां पे इनके सामने कोई जवाब ही नहीं रहता है, तो ये राम मंदिर पे चले जाते हैं। कैसे वो देख लीजिएगा। नहीं कैसे देखेंगे, कैसे आप जनता को बताएंगे ना? यही ना पत्रकार लोग पूछ रहे थे। एक मिनट, आपका सवाल हो गया, आप जवाब सुन लीजिए। पत्रकार लोग पूछ रहे थे राम मंदिर कैसे बना दीजिएगा। अरे फिर आप हमको घुमाइए नहीं, ठीक है? राम मंदिर में ना मुरली मनोहर जोशी आप थोड़े गए थे। अरे सुनिए ना, कार सेवक हमारे यहाँ से भी ना एक ट्रक ईटा गया था। मेरा घर मधेपुरा है, आप पूर्णिया के बारे में बोले हैं अभी, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। आपको याद ही होगा मनीष कश्यप ने कहा था 24 घंटा में पप्पू यादव का ईंट से ईंट बजा देंगे पूर्णिया में जाके। उस वाले मामले पे पप्पू यादव का तो छोड़ो, पता नहीं पप्पू यादव का फैन था कि पता नहीं क्या था। चैलेंज किया अब, जिस दिन जाइएगा डेट फेसबुक पे लिख दीजिएगा जा रहे हैं पूर्णिया, ठीक है? पप्पू यादव के समर्थक हैं। पप्पू नाम सुनिए, राज सिंह नाम है, जात के राजपूत हैं, समझ गए ना? इतना ही नहीं, इस वाले वीडियो का कमेंट खोल के देखोगे ना तब पता चलेगा, लोग कह रहे हैं हाँ आज न पड़ा है औगार का औगार से पाला, अब मनीष कश्यप को सही जवाब देने वाला आदमी मिला है। चलिए अब सुनाते हैं बैड न्यूज, जिसको सुन के मेरा भी मन एकदम दुखी हो गया यार, कि कितना खोखला इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। नहीं आपको बता दे, जब भी हमको कहीं से आना रहता है दूर से, या फिर कहीं दूर के लिए जाना रहता है, तो हम ट्रेन पकड़ने के लिए मुजफ्फरपुर ही प्रेफर करते हैं। और माना जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला स्टेशन अगर कोई है तो ये मुजफ्फरपुर स्टेशन ही है। दो वंदे भारत ट्रेन जो है वो चालू करने के लिए सारा प्रोसेस डन हो गया था, और जब सर्वे वाले आए तब पता चलता है कि ना 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 ना, ट्रेन तो आने के लिए सब कुछ हो चुका है, लेकिन यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का पटरी उतना फिट नहीं है कि इस पे वंदे भारत दौड़ सके, और इस चीज को पोस्टपोन कर दिया है। और सर्वे करने वाले ने एक चौंकाने वाला चीज बताया कि पूरे नॉर्थ बिहार में कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जहां पे इस वंदे भारत ट्रेन को दौड़ाया जा सके, मात्र एक दरभंगा है। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार पुलिस का एक और कारनामा। हमेशा तो हम आप लोगों को दिखाते ही रहते हैं और आप लोग मजा लेते ही रहते हैं। अब एक महिला सिपाही ने रील बनाया है, और रील भी क्या लॉजिकल, मतलब एकदम बिलो लेवल वाला जो होता है ना, एक सिपाही दूसरे सिपाही से क्या सवाल पूछ रही है और क्या जवाब मिल रहा है, वो पहले सुनो आप एक बार। साफ सुथरा बात बताओ, एक सेकंड, साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहू कि देवर के साथ रहू? हम देवर साथ रहे। खैर हम पे कोई आरोप ना लगाएगा, हमारे वीडियो बनाने से पहले ही सिटी एसपी ने जांच का आदेश दे दिया है कि क्यों भाई क्यों, क्या जरूरत पड़ गई वीडियो बनाने का, इतना पैसा तो आप लोगों को मिलवे ही करता है। खैर जांच होगा दूसर का। चलिए दोस्त अब बात करते हैं भोजपुरी में गाना चोरी के नए बवाल के बारे में। बताइए हमारा भारत चांद पे पहुंच गया। बात करें भोजपुरी सुपरस्टारों के बारे में, तो इनको बिहार सरकार 4-4 करोड़ रुपया फिल्म बनाने के लिए दे रही है, लेकिन हमारे भोजपुरी के सुपरस्टारों को इससे फुर्सत नहीं मिल रहा है। मत पिताजी में बहुत बुरा हो जाए, मत बोलो। बर्थडे को हमारे चढ़ाव करा खाती है, बुझाता कि दादा हम वाला का शो बेकार हो गया। ठीक बा, मान ले कलकारी कलकारी में हमारी के तमाम जो भी बहुत सी आदमी बोला बोली चला था, मालिक से बात, मालिक मालिक से बात, तू के हो दिन में की तरह आउट टीम में उनका नहीं खेते हो। अब इस वाले वीडियो को देख के खेसारी लाल यादव के सबसे वीर योद्धा आ जाते हैं मैदान में, और वो भी रगड़ देते हैं प्रमोद प्रेमी को। कल्चर को हाथ रहा था भाई ना रहो, गाड़ी दी वाले फोन करके दूसरा ले अपन राइटर से, आ तू जब नया साल वाला गाना बोले रहो, घर खेसारी लाल भाई ना रहन, दूगो बड़ भाई के लड़वाओ, तरे बड़ा भाई हो गिलन, जब उनका फैनवा धके रेल से तो भाई बुझाए लगल हो। खैर
हम नहीं बताएंगे, अगर खेसारी के बारे में बोल देते हैं तो इनके फैन को बुरा लग जाएगा, प्रमोद प्रेमी को बोल देते हैं उनके फैन को बुरा लग जाएगा, इससे अच्छा कमेंट में ही देख लेता है किसका जीत होता है। चलो दोस्त अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव और काजल अगवानी के कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, और एक स्टेप और ये कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ गया है जिसमें हम आपको बता दें काजल अगवानी के 1 घंटा 28 मिनट यही वाला जिसमें एक्सपोज कर दी थी काजल अगवानी, उस वाले इंटरव्यू को खेसारी लाल यादव के टीम के द्वारा डिलीट करा दिया गया है, जिसपे काजल अगवानी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहती हैं, ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, पूर्ण विराम, उसके बाद अपना लिखने का प्रारंभ शुरू करती है, जिसमें लिखती है जब गलत नहीं है तो लोगों को डरा क्यों रहे हैं, वीडियो पे स्ट्राइक, लोगों को जान से मारने की धमकी, यही असलियत है आपके टीम की। खैर कब तक सच को और उसकी आवाज को रोका जाएगा और कहां कहां स्ट्राइक मारा जाएगा, ही वाला इमोजी। अब देखो इस वाले पोस्ट को करने के बाद काजल अगवानी शांत नहीं रहती है ना, एकदम पूरे फुल मूड में टॉप गियर में है, सीधे चले जाती है नेशनल मीडिया पे और जाके इंटरव्यू देती है 33 मिनट का, और कहती है इनडायरेक्ट वे में कि अब है चैला में चैला, बरखा डिलीट करवा के दिखा लो, सिंपल मतलब यही था। अगर कोई लड़का बोलेगा हाँ हम शादी करेंगे, घर परिवार होगा, इतने सपने दिखाना, इतनी चीजें बोलना, तो कोई भी लड़की को यकीन होगा कि मैं जल्दी डिवोर्स देने वाला हूँ बिकॉज मैं अपने घर से खुश नहीं हूँ। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज सच में हजम नहीं होता है भाई, ये वही खेसारी लाल यादव हैं जो लाइव आके पवन सिंह के यूट्यूबर से मुंह लगाते हैं भाई, ये वही खेसारी है जो बेमतलब के लाइव आके विवाद करते हैं, और इस चीज के लिए भोजपुरी में सबसे ज्यादा बदनाम है, ये अपने बेटी को लाइव आके फेमस कर दिए कि उसमें गाना गाया जा रहा है, वो खेसारी लाल यादव इतने बड़े मैटर पे चुप है और आपको ये चीज नॉर्मल लग रहा है? नहीं दोस्त नहीं, हम आपको बता दें खेसारी लाल यादव ने इंटरव्यू डिलीट करा के आवाज दबाने की भी कोशिश की है, तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या? खेसारी लाल यादव को लाइव जरूर आना चाहिए। चलो दोस्त अब बात करते हैं पूरब झा के बारे में, कल वाली वीडियो में तो बताया ही था कि किस तरीके से पूरब झा जो है बिहार के बेटे पूरे इंडिया में गर्दा मचा दिए हैं नकल करके आगे बढ़ने में, मतलब दूसरे का पैरोडी वीडियो बनाने में, और अब फाइनली उनका नजर भोजपुरी पे पड़ गया है, और कल बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज थे, लोगों को लग रहा था कि पावर स्टार बोले तो पवन सिंह के बारे में बताएंगे, तो ना इस तरीके का हरकत कर रहे हैं तो खेसारी पे तो जरूर होगा, लेकिन गाना सुनकर लोग लग रहा था कि ना राधे श्याम रसिया पे होगा। खैर अब ये चीज रिवील हो गया है कि पूरब झा भोजपुरी में किस पे वीडियो बनाने वाले हैं, सैंपल देख लो। चालू कर जनरेटर। अब अगर आप भी समझ गए तो फटाफट नीचे कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्त अब बात करते हैं काजल राघवानी से जबरदस्ती किस जो पवन सिंह किए हैं उसके आरोप के बारे में, और ये आरोप सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और ये क्या है मामला सबसे पहले तो वो हम आपको छोटा सा वीडियो प्ले करके दिखा देते हैं, सबसे पहले कि आरोप क्या है। कर रहे, हाथ पैर जोड़ रहे, हर एक चीज कर रहे, फिर मैंने मजबूरन केस सीन किया। खैर इंटरनेट पर बहुत रिसर्च किए, डीप गए, तब जाके इसके सच के बारे में पता चला, हमने सोचा लियो आपको भी हम बता ही देते हैं। देखो हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। फिल्म का नाम था कैसे हो जाला प्यार, जिसमें पवन सिंह ने काजल अगवानी को किस लिया था, और इसी फिल्म के सिनेरियो के बारे में काजल अगवानी बता रही थी, लेकिन जब हम इंटरनेट पर ढुके और इस चीज को खोजे तो पता चला है काजल अगवानी तो इससे पहले बाप रे बाप काका नहीं बना चुकी हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर फोटो देखिए, जिसमें किस तरीके से एक डेडिकेटेड चुम्मा गाना जो है वो पवन सिंह के साथ मौजूद है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि काजल अगवानी और खेसारी लाल यादव का इतना जबरदस्त रोमांटिक गाना जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है कि अगर इस वाले वीडियो में दिखा दिए ना वो वाला वीडियो, तो आप कहेंगे हैं राजन भाई इस तरीके से वीडियो दिखाया जाता है, हम लोग घर परिवार में देखते हैं, मीन्स वो वाला वीडियो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, रात 12 बजे के बाद ये वाला प्राइवेटली वीडियो देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। और इन सब के बाद पवन सिंह के साथ वो फिल्म आया था, तो फिर किस लेने से कैसे आपत्ति हो सकता है? खैर हो सकता है खेसारी ने मना किया हो कि हमारे पिता तुल इंसान के साथ प्लीज किस्मत कीजिएगा। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं वेब सीरीज जो लॉरेंस बिश्नोई पे बनने जा रहा है भाई, यही वाला पानी लेके जाएंगे फिल्म देखने, तब जाकर दिमाग मेरा ठंडा रहेगा। खैर लॉरेंस बिश्नोई के जीवनी पे जो वेब सीरीज बन रहा है इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं फायर फॉक्स प्रोडक्शन हाउस, और आपको बता दे इस वेब सीरीज का नाम रहेगा लॉरेंस द गैंगस्टर। खैर भैया मार धार एक्शन से भरपूर रहेगा, क्योंकि गैंगस्टर वाला फिल्म ना होने वाला है जी। खैर इस फिल्म को आप देखने जाओगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस पे
एक डिटेल में वीडियो हम आपको जरूर बनाएंगे जो इस वाले चैनल पे आएगा, जिसमें बताएंगे कौन प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा, कौन हीरो होगा, डेट कब, तो सब जानना है। ड्राइवर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब ना यहाँ पे हिंदी वाला फिल्म के बारे में आता है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं नेता के बेटा के पाकिस्तान प्रेम, और जब पार्टी के बारे में बताएंगे ना तो इस तरीके से कान से धुआं निकलेगा आपके। खैर पहले मामला बता देते हैं। होता यह है कि नेताजी के बेटा को हो जाता है पाकिस्तानी लड़की से शादी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत ना होने करिया लड़की है जी, हो गया प्यार। अब नेताजी अपना पूरा सोर्स पर भी लगा देते हैं ताकि पाकिस्तान जाके अपन बेटवा का निकाह करा दे, लेकिन नास पीटा देश का रिलेशन, बीजे नहीं मिलता है नेताजी के बेटा को, और फिर ऑनलाइन निकाह होता है आपके मोबाइल स्क्रीन पे प्ले हो रहा है वीडियो। और उसमें भी सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज, ये जो नेताजी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? चलो दोस्त अब दिखाते हैं लंगड़े को। बेचारे को पहले देखते थे ना तो माया लग जाता था, या कितना बेचारा जीवन कष्ट में व्यतीत कर रहा है। लेकिन हमारे जीवन में फिर आया जो पूरे हिंदुस्तान में वायरल वीडियो है, वो ये वाला वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा। बहुत अभद्र तरीके से इस लंगड़े के हरकत पे पीछे वाला जो वीडियो बना रहा है वो बोल रहा है, अभी मेरा सहानुभूति 50% ही हुआ था तब तक बिहार का एक और सन पिला गया, मतलब एकदम ढीठे चप्पू गाड़ी पर पीछे माल लोड कर लिया पूरा फुल का 5 को बोतल, आगे बोरा में रखा और एकदम माल सप्लाई कर रहा है। और माल सप्लाई के बाद जब पैसा आ जाता है तो भाई अपना वीडियो बनाते हैं इस तरीके से। चलिए दोस्त अब दिखाते हैं वायरल वीडियो। भैया ये बिहार में है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, ट्रेन स्टेशन नहीं जाता है पैसेंजर को छोड़ने, ट्रेन घर के द्वार पे रुकता है। सैंपल देख लो गाइस, इस भैया को देखो, ट्रेन का चेन खींच के अपने घर के पास उतर गए हैं। सब लोगों को पायलट साहब आ रहे हैं सब कुछ सही करके।